गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साहिर सर विद योर इकोनॉमिक्स क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? ओके, आई होप यू विल बी फाइन। सो लास्ट टाइम वी हैव फिनिश्ड आवर फिफ्थ चैप्टर, द थ्योरी ऑफ डिमांड, एंड टुडे वी कैन स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So in this chapter we can discuss on the concept of price elasticity of demand, measurement of price elasticity of demand, and dynamic situation of elasticity of demand, and factor affecting price elasticity of demand. Beta, in the previous chapter we learn how quantity demand is related to one price of the commodity. We learn also that if the price of that one commodity, the quantity demand is increase, decrease, it's a totally affected the their own price. उसने हमें ये तो बताया था कि कीमत कम होने से मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग कम होती है, but they don't see us that the degree of change in quantity demand, मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है ये नहीं बताया था। क्योंकि वो ये तो बताया था कि इतना अगर प्राइस इधर जा रहा है तो डिमांड हमारी इधर जा रही है, डायरेक्शन तो बताया था, बट दे डोंट शे कि कितना चल रहा है, यानी प्राइस में कितना परसेंट परिवर्तन होने से उसकी डिमांड में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ ये नहीं बताया था। तो इन दिस चैप्टर वी कैन डिस्कस ऑन डैट टॉपिक। वी ओनली टॉक ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चेंज, डिग्री ऑफ चेंज इन क्वान्टिटी क्या है एक्चुअल में, डिग्री ऑफ चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड in response to change in one price of the commodity is the subject matter of elasticity of demand. तो first of all मैं आपको एक definition बताता हूँ, write down कर लेना है, book आप जरूर purchase कर लीजिए, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद बेटा एक बार घर पर आप उसके बाद में अगर आप book खोल के देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको revise भी होंगी और आपको जो समझ में ना आया तो किताब में से देखने से थोड़ा आसानी हो जाती है। फिर भी आपको if you have any problem तो हम हैं तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्या है एक्चुअल में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू ए चेंज इन वन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। किसी वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसके माप को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। दैट्स क्लियर? तो बेटा अब बात आती है, एक बार दोबारा सुन लीजिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू ए चेंज इन वन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है, इसके अनुपात इसकी जो डिग्री है उसको बताती है। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं हम इसका, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कई मेथड होते हैं, हम वन बाय वन हर एक मेथड को पढ़ेंगे। तो परसेंटेज चेंज मेथड होता है एक हमारा, परसेंटेज चेंज मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स, यानी एक्स की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसके कारण उसकी मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसके अनुपात को मांग की लोच कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा उसमें से आप एक बार देख लेना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा और मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको दूसरी वीडियो, इसके बाद में तुरंत एक वीडियो आपको सेंड करूंगा, वो जरूर देखना है क्योंकि उसके कारण ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। उसके बाद बेटा इसमें आता है स्लोप ऑफ डिमांड करो एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें मांग में भी पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि किस तरह से जो डिमांड वक्र है उसका स्लोप नीचे की तरफ होता है, और वही सेम चीज़ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी, लेकिन फ़र्क दोनों में इतना है कि वहाँ पर कितना चेंज हुआ है, मांग में कितना परिवर्तन हुआ था उसको दिशा को बताता था कि कीमत बढ़ने से मांग कम होती है, कीमत कम होने से मांग बढ़ती है, तो प्राइस जो है वो डिमांड स्लोप होता है।
लेकिन यहाँ जो है परसेंटेज चेंज में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में उसकी डिग्री को मापा है कि कितना प्रतिशत परिवर्तन, यानी 5% परिवर्तन कीमत में हुआ है तो उसके कारण डिमांड में कितना परसेंट परिवर्तन आएगा। तो इसको भी मैं एक डायग्राम द्वारा आपको सेंड करूँगा बेटा, उसको देखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपको डिस्टिनक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में इतना है। इसके तुरंत बाद में दूसरी वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने हैंड राइटिंग से वो जो है फॉर्मूला ड्रॉ करके और एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, उसको जरूर समझ लेना, उसके बाद आप बुक से देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।